जैसे प्रकाश के ना होने को ही अंधेरा कहते हैं, अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ही ध्यान का ना होना, प्रेजेंट मोमेंट में ना होना ही मन है, विचार है। ओवर थिंकर्स के लिए है ये सारी कहानी, और जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके लिए भी आज की कहानी आपका दिमाग घुमा के रख देगी कि कैसे एक बौद्ध शिष्य ने अपने मास्टर की बात को मान करके, अपने जीवन के एक लंबे समय को दे करके एक नई उपलब्धि को प्राप्त की। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। ये कहानी है एक जेन मास्टर और उसके शिष्य की। जापान के एक ऊंची पहाड़ी में एक बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री हुआ करती थी, जहाँ करीब 1000 मॉन्क्स होते थे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और उनके एक प्रमुख गुरु होते थे जिन्हें हम जेन मास्टर के नाम से जानेंगे। जेन मास्टर की एक खास बात थी कि वो अपने शिष्यों को अजीब अजीब तरीके से सिखाते थे, अजीब अजीब तरीके से उन्हें ज्ञान देते थे। कभी किसी को मौन रहने को कहते, कभी किसी को व्रत भूखा रहने को कहते, कभी किसी को सिर्फ ध्यान में बैठ जाने को कहते, किसी को सिर्फ किताबें पढ़ने को कहते, या किसी को केवल लकड़ी काटने को कहते, या केवल किसी को पानी को देखते रहने को कहते। उनकी शिक्षा बहुत अजीब थी, लेकिन उनकी शिक्षा इतनी सही थी कि जब वहाँ से शिक्षित होकर कोई निकलता तो वो एक शानदार इंसान बनता। तो इसलिए तो उनके यहाँ 1000 से ज़्यादा शिष्य थे। समय के चलते चलते एक दिन एक चरवाहा उनके पास आया और उनसे आकर कहा, जवान चरवाहा, कि मुझे ध्यान सीखना है, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी मदद कैसे। तो जेन मास्टर ने कहा, बच्चे, ये बहुत शिक्षा का विषय है, इसको इसके लिए ध्यान लगाना पड़ता है, इसके लिए पढ़ना लिखना पड़ता है। तो उसने कहा, बात तो सही है, मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को जानना चाहता हूँ, अपने आप को जानना चाहता हूँ। जेन मास्टर ने फिर से कहा कि इसके लिए अपना जीवन दांव पे लगाना पड़ता है, और पूरा जीवन खर्चने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें वो प्राप्त हो पाएगा जो तुम खोज रहे हो, तुम अपने आप को खोज पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। जवान चरवाहे ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसे जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं प्रयास तो करूं। जेन मास्टर बड़े खुश हुए। तब उन्होंने उसे आज्ञा दी कि भाई देखो, ऐसा है, यहाँ इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके भोजन में, उनके खाने में दूध की आवश्यकता होती है, तो यहाँ जो गाय भैंसे हैं, जो मवेशी हैं, उनकी पूरी सेवा करना, उनके चारे का, उनके दूध निकालने का पूरा काम तुम करोगे, तो ये तुम्हारा काम है, पहला। दूसरा, जो तुम्हारी शिक्षा है वो शुरू होती है, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, अपने विचारों को नहीं आने देना है, और किसी से कोई बात नहीं करना, यानी कि तुम चुप रहोगे। तीसरा, कि तुम मुझसे आकर अब नहीं मिलोगे, मुझसे कोई चीज़ नहीं पूछोगे, जब ज़रूरत पड़ेगी, जब मुझे लगेगा कि पूछना है, तो मैं खुद आकर तुमसे बात करूँगा। जवान चरवाहे ने भोलेपन में कहा, ठीक है गुरुजी, ये तो मेरा सौभाग्य कि कम से कम आपने मुझे स्वीकारा तो सही, और वो अपने काम में लग गया। परेशान होता, अपने विचारों से डरता, घबराता, ओवर थिंक करता, और जब भी ये स्थिति आती कि विचारों की बाढ़ आ रही है, तब भी चुप होकर बैठ जाता, अपने विचारों को देखता, अपने आप को संभालता, प्रेजेंट मोमेंट में आता और फिर काम में लग जाता। समय के साथ महीने गुजरे, साल गुजरे, और ऐसा करते करते 10 साल गुजर गए। 10 सालों में बाकी सारे जो जैन शिष्य थे, उन्हें ये लगने लगा था कि ये कोई गूंगा है जो बात नहीं करता, इसे कुछ, इसको सिर्फ काम के लिए रखा गया। और इस तरह से एक समय आया जब जो जैन मास्टर थे वो बुज़ुर्ग हो गए, और उन्होंने घोषणा की कि भाई ऐसा है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, तो जिसे भी लगता है वो मेरी
इस पदवी को ग्रहण कर सकता है, मेरे गद्दी पे बैठ सकता है, मेरा उत्तराधिकारी बन सकता है, वो आए और जो आज तक मैंने सिखाया है, जो तुमने सीखा है, उसे एक पर्ची में दो लाइन में लिखकर बताए। सबने यही किया, जिसे भी लगा कि वो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, सबने लिखा, पर्ची लिखी और डब्बे में डाल दिया। जेन मास्टर आया, सबको निकाला, सबका पढ़ा और किसी से संतुष्ट नहीं हो पाए। वहाँ के सबसे मेधावी छात्र का पर्ची उन्होंने देखा, पढ़ा और उन्होंने देखा कि उसने लिखा है कि ध्यान एक दर्पण है जिसमें मन अपने आप को देखता है। जवाब बहुत सही था, लेकिन यहाँ भी उन्हें संतुष्टि प्राप्त न हुई। उन्होंने तुरंत कहा कि मैं जानता हूँ ये जवाब तुमने दिया है, ये बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन मैं अभी भी इससे संतुष्ट नहीं हूँ। ये जवाब उस योग्य नहीं है कि मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना सकूँ। सब हैरान हो गए कि भाई 1000 लोगों में जो सबसे मेधावी था उसे भी मौका नहीं मिला, तो अब किसे मिलेगा। जेन मास्टर ने कहा एक काम करते हैं, चलो एक और बंदे से पूछते हैं, क्योंकि यहाँ एक और इंसान है जो बहुत सालों से है, उससे पूछते हैं। सब लोग वहाँ गए, चरवाहा निकल के आया, जेन मास्टर को प्रणाम किया और जेन मास्टर ने उनसे पूछा कि बताओ तुमने इतने सालों में तुमने क्या सीखा, मैंने तुम्हें क्या सिखाया। सारे लोग हैरान, सबको लगता था ये कोई अनपढ़ गंवार गूंगा इंसान है जो चुपचाप रहता है, अपना काम करता है। इतने में जो वो चरवाहा था उसने हाथ जोड़कर बोला, उसने गहरी सांस ली और कहा, ना मन है ना विचार की धूल, जिसने ये जान लिया उसने रोशनी को पा लिया। गहरी बात है, समझ बाद में आएगी, ठीक है। बस इतना कहना था कि जेन मास्टर के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा कि भाई इतना तुमने कभी कोई पढ़ाई की, ना तुमने कोई किताब खोला, ना कभी तुमने कोई ध्यान करा, ये तुमने कैसे जाना, ये गहरी बात तुम्हारे अंदर आई कैसे। अब तो ये शिष्य है। चरवाहे ने कहा कि गुरुजी आपने मुझे दो बातें कही थी, पहली कि कोई विचार को आने मत देना, किसी से कोई बात नहीं करना, मौन रहना, और मौन रहने की वजह से मेरे अंदर बहुत विचार आते, मैं घबराता तो मैं रुकता और विचारों को बैठकर देखता। पहले मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, जब वो नहीं रुके तो मैं हार गया, और हारने के बाद विचारों को आने दिया और उन विचारों को प्रॉपर फोकस करके देखा कि वो विचार आखिर क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, उन विचारों का पीछा किया कि विचार कहाँ से आए थे और कहाँ को जा रहे हैं। और ये करते करते मेरे अंदर बहुत कन्फ्यूज़न पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। फिर मुझे आपकी दूसरी बात याद आई कि किसी से कोई बात नहीं करना, मुझसे आकर कुछ मत पूछना, मुझसे आकर कुछ नहीं बोलना, मुझसे नहीं मिलना, आपने अपने आप से मिलने के लिए मना किया। और फिर मैं अपने उसी कन्फ्यूज़न में, उसी उहापोह में अपने अंदर इन चीज़ों को महसूस करना शुरू किया कि विचार कहीं से आते हैं और कहीं तक ही जा पाते हैं, उसके आगे वो विचार नहीं जाता, उसके आगे कोई नया विचार आता है। मतलब कि हम विचारों के साथ बह रहे होते हैं, बहने वाले अकेले हम हैं, विचार लहरों की तरह एक फिर दो फिर तीन एक के बाद एक आ रहे होते हैं। तो मैंने जब विचारों का पीछा करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ना कोई विचार कहीं से आ रहा है, ना वो कहीं जा रहा है, हम सिर्फ एक लूप में फंसे हुए हैं। बस इतना सुनते ही जैन मास्टर खुश हो गए और उन्होंने कहा तुमने जान लिया। अब इतने सारे शिष्य बैठे हुए थे, बहुत लोगों का ईगो हर्ट हो गया, कुछ लोगों को लगा ये क्या है, ये कभी पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, गुरुजी इसकी तारीफ कर रहे हैं। जिन्हें उसकी बात समझ में आई उन्होंने उसे प्रणाम किया, जिन्हें समझ में नहीं आई उन्होंने नकली में प्रणाम किया और वहाँ से वो चले गए। देर रात जेन मास्टर चरवाहे के कमरे में आए और उन्होंने कहा तुम ही मेरे असली उत्तराधिकारी हो, ये लो मेरी छड़ी, ये लो मेरा शॉल, और ये इस बात का प्रतीक है
कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी तुम बनोगे, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये मॉनेस्ट्री के लोग तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिमान मंक्स हैं जिन्हें लगता है कि वो तुमसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अपनी यात्रा में आगे बढ़ो और अपनी एक नई दुनिया बनाओ, नई दुनिया बसाओ। बस इतना सुनना था कि ज़ेन शिष्य ने, उस चरवाहा ने गुरु जी को प्रणाम किया और वो आगे बढ़ चले। तो हम क्या समझे? मन की ताकत एकाग्रता में है और ताकतवर मन ही एकाग्र रह सकता है और एकाग्र मन ही प्रेजेंट मोमेंट में रह सकता है। तो अल्टीमेटली बात ये है दोस्तों कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना की शिक्षा ही सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर आप किसी भी तरीके से इस पल में जीना सीख गए, इस पल को देखना सीख गए, यहाँ होशपूर्ण जीना सीख गए, तो आप भी वो बन जाएंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रुपया, पैसा, धन, दौलत, रिश्ते, नाम, शोहरत सब इसके नीचे आते हैं। पकड़ में आई बात? तो शक्तिशाली बनने के लिए मन को जीतना होगा और मन को जीतने के लिए ध्यान में उतरना होगा। आशा करता हूँ ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ बची हैं जिन्हें सुनना बाकी है, सुनेंगे और सीखेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नमस्ते है जी।